राजधानी रायपुर को एक बड़ी सौगात मिली है। टाटीबंध चौक में 119 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के तरफ से स्वीकृति मिल गई है। टाटीबंध चौक में फ्लाईओवर बनने से ट्रैफिक समस्या से निजात मिलेगी, साथ ही चौक पर आए दिन हो रहे बड़े सड़क हादसों पर भी रोक लगेगी। बता दें, टाटीबंध चौक पर फ्लाईओवर की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सांसद सुनील सोनी ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। इसके अलावा कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर काफी प्रदर्शन किया था। को बड़ी सौगात मिली है। टाटीबंध चौक में 119 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर बनाया जाएगा। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार ने इसकी स्वीकृति की घोषणा कर दी है। यहाँ पर फ्लाईओवर बनने से जो ट्रैफिक की समस्या है उससे निजात मिलेगी, साथ साथ इस तरीके से टाटीबंध चौक पर आए दिन जो सड़क हादसे हो रहे थे, कई लोगों की जान जा रही थी, उससे अब कहीं ना कहीं उस पर रोक लगेगी। बड़े लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी, चाहे मुख्यमंत्री की बात की जाए, चाहे सांसद सुनील सोनी की बात की जाए, दोनों ने इसको लेकर जो नितिन गडकरी हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री, उनसे मुलाकात की थी और मांग की थी कि यहाँ पर जल्द ही फ्लाईओवर बनाया जाए, क्योंकि आए दिन सड़क हादसे हो रहे थे। इसके अलावा जाम की स्थिति यहाँ पर बन रही थी। इसके अलावा लगातार फ्लाई ओवर की मांग को लेकर जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं पश्चिम के विकास उपाध्याय, वो भी लगातार आंदोलन यहाँ पर कर रहे थे और ये उनकी मांग थी कि फ्लाई ओवर यहाँ पर बनाया जाए। अब फ्लाई ओवर बनने से कई जो सारी समस्या है वो यहाँ पर दूर होगी और एक बड़ी सौगात इसे माना जा रहा है। और जो जिस तरीके से आए दिन सड़क हादसे हो रहे थे, कहीं ना कहीं उस पर रोक लगेगी, क्योंकि काफी मात्रा में लोगों की, काफी संख्या में लोगों की यहाँ पर जान जा रही थी। कैमरामैन इकराम के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और ग्वालियर में भी प्याज लोगों को रुला रही है।